बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ त्रयोदशो अध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से सुजी शुनकादि ऋषियों से कहते हैं कि इसके पहले के अध्याय में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के द्वारा पुरुषोत्तम मास के अखंड दीप और दीपदान महात्म्य में सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे देवादिदेव, आपके मुखारविंद से दीपदान के महात्म्य को सुनकर मन में और भी सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। जैसे अमृत को पीकर बारंबार पीने की इच्छा होती है, इसलिए कृपा करके मुझे और भी दीपदान के महात्म्य का वर्णन सुनाने की कृपा करें। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम धन्य हो। तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति अनुराग की भावना इतनी प्रबल है। मैं तुमसे इस विषय का और एक इतिहास कहता हूँ। इसी समय मथुरा नाम की नगरी में साकली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदाचारी और कर्मनिष्ठ था। उसकी दो स्त्री थी, एक का नाम विमला था, दूसरी का नाम सुशीला था। दोनों पत्नियां पति की सेवा में रहती थी। उनका गृहस्थाश्रम उत्तम प्रकार से चलता रहता था। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। उस दिन नित्य की तरह ब्राह्मण की पत्नी सुशीला प्रातःकाल जमुना जी में जल लेने गई। वहाँ उसने देखा नगरवासी बहुत से लोग यमुना जी के स्नान के लिए आ रहे हैं। कई स्नान कर जा रहे हैं और कई स्नान कर चुके हैं। यह देखकर सुशीला के मन में आश्चर्य हुआ कि कभी इतने लोग स्नान के लिए नहीं आते थे, आज एकाएक इतने अधिक लोग क्यों आ रहे हैं। वह जल भरकर अपने घर आ गई और अपने पति के चरणों में नमस्कार करके आग्रहपूर्वक पूछती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक कौतूहल उत्पन्न हो गया है, कृपा करके मेरे मन को समाधान करें। आज मैं यमुना जी में जल लेने गई, वहाँ मैंने देखा बहुत से नर नारी स्नान करने आए हैं, कभी इतने लोगों को आते मैंने नहीं देखा, इसका क्या कारण है। सुशीला के वचनों को सुनकर ब्राह्मण साकली कहता है, हे प्रिय, आज से भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। उस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती। इस मास में स्नान व्रतदान नियम संयम अखंड दीप का स्थापन ये सब कर्म अनंत पुण्य को देने वाले होते हैं, जिसमें जैसी श्रद्धा और शक्ति होते हैं और जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, वे नित्य स्नान दीपदान संपूर्ण मास पर्यंत करते हैं। हे प्रिय, इस मास में थोड़ा भी किया हुआ कर्म अनंत पुण्य देने वाला होता है। पति के वचनों को सुनकर पत्नी सुशीला आनंदित होकर पति से कहती है, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं भी नित्य स्नान और अखंड दीप की स्थापना आदि कर्म करूं। पति की आज्ञा बिना स्त्रियों का समस्त कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए आपकी आज्ञा प्राप्त होना आवश्यक है। पत्नी के श्रद्धा भाव को देखकर ब्राह्मण साकली प्रसन्न होकर कहता है, हे प्रिय, तुम धन्य हो। तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न है, तो मेरी आज्ञा से नित्य स्नान और अखंड दीप की स्थापना अवश्य करो। पति की आज्ञा प्राप्त होते ही सुशीला ने उसी समय यमुना जी में स्नान कर शुद्ध वस्त्रों को धारण कर अपने घर में उचित स्थान पर गोबर से लीप कर चौक पूर कर उस पर घट स्थापन करके दीपक जलाकर विधानपूर्वक पूजन किया। उस दिन से उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातः सूर्योदय के पहले यमुना जी में स्नान करके घर में आकर घट और दीपक का पूजन करना, पति की सेवा करते हुए भोजन में पति के द्वारा शेष छोड़ा हुआ अन्न का भोजन करना, उतने ही भोजन पर रह जाना, यही क्रम मास पर्यंत उसने धारण किया। उसके इस प्रकार के नियम को देखकर उसकी सोत विमला के मन में देश की भावना जागृत हो गई। वह मन में छटपटाने लगी, सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा विघ्न उत्पन्न करूं जिससे नियम खंडित हो। उसके दीपक का तेल गिरा देना चाहिए, इसे थोड़ी देर में दीपक बुझकर खंडित हो जाएगा, ऐसा मन में सोचकर उचित समय की प्रतीक्षा करती रही। एक समय उसको मौका मिल गया। ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया था और सुशीला यमुना के में स्नान करने गई थी। ऐसे समय मौका देखकर सोत विमला ने दीपक का तेल गिरा दिया और दीपक बुझा कर अपने घरे घरे में लग गई। सुशीला स्नान करके घर आती है तो देखती है कि दीपक बुझा हुआ है। वह देखकर सुशीला को बहुत दुख हुआ। उसने फिर से दीपक को प्रज्वलित किया और नित्य की तरह घट और दीपक का पूजन कर भगवान से दीपक खंडित होने की समय याचना की। दूसरे दिन भी ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया था। सुशीला भोजनादि बनाने के कार्य में लगी थी। ऐसे समय मौका देखकर सोत विमला ने फिर से दीपक बुझा दिया। थोड़ी देर बाद सुशीला ने दीपक बुझा देखकर फिर से प्रज्वलित कर दिया। इस कृत्य के द्वारा बार बार दीपक खंडित होता हुआ देखकर सुशीला के मन में अत्यंत दुख होता।
वह मन में भगवान से प्रार्थना करके दीपक के खंडित होने की क्षमा याचना करती रहती थी और अब दीपक खंडित न हो इसके प्रति सतर्क रहने लगी। परंतु दुष्ट स्वभाव विमला इसी मौके की तलाश में रहती थी कि कैसे दीपक बुझे। वह आते जाते मौका देखकर अपने साड़ी के पल्लों से दीपक को हवा करके बुझाने की चेष्टा करती रहती थी। वह सब देखकर भी सुशीला ने अपने पति से कुछ न कहकर स्वत के कृत्य को सहन करती रही। इस प्रकार सुशीला ने श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत किया। अमावस के दिन पति के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित करके घर में उनका पाद प्रक्षालन कर पूजन करके उत्तम प्रकार के मिष्ठान पकवान के द्वारा भोजन कराया। सबको दीपदान और यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा देकर विदा किया। इस प्रकार जब जब पुरुषोत्तम आया तब तब सुशीला ने पति की आज्ञा से स्नान अखंड दीपादि नियमों को धारण करते हुए श्रद्धापूर्वक करते रही। इस पुण्य के प्रभाव से सुशीला को सर्वगुण संपन्न सुंदर आकृति व स्वरूप वाले 3 पुत्र हुए और जीवन भर सांसारिक सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुई। और वह दुष्ट विमला दीपक को खंडित करने के जघन्य पाप से उसका शरीर रोग से ग्रसित हो गया। उसके भी 3 पुत्र हुए परंतु जन्म से रोग ग्रसित उत्पन्न होने से कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब विमला भी दोनों नेत्रों से अंधी हो गई, शरीर रोग से जर्जर हो गया। समय पर अन्न न मिलने से छटपटाती रहती थी। उसमें बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमलोक में उसको दुष्टता और पाप कर्मों के प्रभाव से 1000 वर्ष तक नरक की यातना भोग कर पुनः उसका स्वर्ग की योनि में जन्म हुआ। स्वर्ग की योनि में अनेक वर्षों तक दुख भोग कर भयंकर सर्पणी की योनि में जन्म हुआ। उसका दुख भोग कर समगीदड़ी की योनि में अनेक वर्षों तक दुख भोगा। इस प्रकार 84 लक्ष योनि भ्रमण करके मनुष्य की योनि में भद्र देश में बिल्लिन जाति में उसका जन्म हुआ। जन्म से उसके शरीर में गलित कुष्ठ का रोग था। इस प्रकार वह पापिनी विमला जन्म जन्मांतर तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगती रही। और सुशीला अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से संसार में पति के साथ सांसारिक सुखों को भोगते हुए पुत्र पोत्र पृथ्वी पर स्थापित करके मृत्यु के बाद पति के साथ विमूल लोक को प्राप्त हो गई। वहाँ अनेक वर्षों तक सुख भोग कर अक्षय पुण्य के प्राप्त से मोक्ष को प्राप्त हुई। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना का माध्यम है। जो भी नर नारी पुरुषोत्तम मास में नियम धारण करके नित्य स्नान अखंड दीप की स्थापना विप्र पूजा तथा यथाशक्ति दान आदि कर्म करेंगे वे भी अनंत पुण्य के प्रभाव से सांसारिक सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद अक्षय पुण्य के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अर्थात संसार में बारंबार जन्म लेना और मरना इस बाधा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना यही मोक्ष कहलाता है। भगवान के द्वारा प्रेषित आत्मा पुण्य कर्म के द्वारा भगवान की शक्ति में लीन हो जाती है। जय जय श्री अधिक मास महात्म में सार ब्रह्म नारद पद्माधारे त्रयोदशो अध्याय परिपूर्ण शुभम भवतु। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।